हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल YT सिविल एंड सी। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन लाइन में एक्सपीरियंस बंदा देखते ही बोल देता है कि सीमेंट कितना जाएगा, स्टील कितना जाएगा, ब्लॉक्स कितने लगेंगे, पर ये सब चीज़ें फ्रेशर बंदे को इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। तो फ्रेशर बंदा अपने कैलकुलेशंस के ऊपर विश्वास रख के कैलकुलेशन करने लगता है, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद उसको भी ये चीज़ें समझने लगती है एज़ पर ऑब्जर्वेशन। तो इस वीडियो में हम वो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स का कैलकुलेशन किस तरह करते हैं वो जानेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा देना। दोस्तों, नंबर ऑफ़ कंक्रीट ब्लॉक्स निकालने के दो मेथड है, एक सरफेस एरिया मेथड एंड दूसरा वॉल्यूम मेथड। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आप कौन से मेथड के साथ कंक्रीट ब्लॉक्स निकालोगे। तो हम पहला मेथड शुरू करते हैं, सरफेस एरिया मेथड। दोस्तों, एक वॉल कंसिडर करते हैं जिसकी लेंथ 10 फीट रहेगी, हाइट 10 फीट रहेगी, और उसमें एक विंडो की ओपनिंग रहेगी जिसका डायमेंशन भी 4 फीट बाय 4 फीट का रहेगा। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि वो किस तरह रहेगी। ये विंडो की ओपनिंग है और ये हमारी वॉल है। हाँ, ये है 10 फीट, ये है 10 फीट पर, और हमारी विंडो की ओपनिंग है वो है 4 फीट, और ये भी है 4 फीट। ओके, तो यहाँ पे हम सब इसका एरिया निकाल लेंगे क्या क्या है वो। एरिया ऑफ वॉल हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट, और विंडो का एरिया हो जाएगा 16 स्क्वायर फीट। स्टेप 3 क्या है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे विंडो है वहाँ पे तो वॉल नहीं आएगी, ब्लॉक्स नहीं आएंगे, तो वहाँ पे हमें वो एरिया डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ 100 माइनस 16, दैट इज़ 84 स्क्वायर फीट। और एक ब्लॉक का डायमेंशन क्या है हमारे इधर, 16 बाय 8 बाय 8, दैट इज़ 16 बाय 8 बाय, थिकनेस क्या है, हाइट क्या है, 8। और इसमें कंस्ट्रक्शन में जब हम ब्लॉक यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 1 इंच का मोर्टर भी आएगा, और हमारा एरिया स्क्वायर फीट में है तो हमें ब्लॉक का डायमेंशन भी स्क्वायर फीट में ही निकालना पड़ेगा। तो वो सब ऐड करने के बाद 16 प्लस 1 इंच इंटू 8 प्लस 1 इंच हो जाएगा 153 स्क्वायर इंच, पर एक फीट इज इक्वल्स टू 12 इंच होता है। तो हमारा डायमेंशन है इंच में, तो हमें उसको स्क्वायर फीट में डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो हो जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, दैट इज़ 1.0625 स्क्वायर फीट। अभी बारी आती है नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालने की। हमारा एरिया ऑफ वॉल है 84 और एरिया ऑफ ब्लॉक है 1.0625, दैट इज़ 79 नंबर्स। और यहाँ पे हमें ट्रैवलिंग होती है, जब हम ब्रिक्स अनलोड करते तब इधर उधर हो जाते, तो कभी भी कवर टूट जाते हैं, कभी कभार अच्छे नहीं रहते, तो यहाँ पे हम इसलिए 5% वेस्टेज ऐड करेंगे। 5% वेस्टेज ऐड करने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो होता है 83। दोस्तों, सेकंड मेथड है वॉल्यूम मेथड। वॉल्यूम मेथड के साथ नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। दोस्तों, पहले हमारी जो वॉल की डायमेंशन थी वो थी 10 फीट बाय 10 फीट एरिया मेथड में, पर अभी ये वॉल्यूम मेथड है तो हमें इसकी थिकनेस भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जो ब्लॉक की थिकनेस रहेगी वही हमारे वॉल की भी थिकनेस रहेगी, तो वो थी 8 इंच। तो जब वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालोगे तो 10 इंटू 10 इंटू 8 इंच रहेगी, तो हमें ये इंच को स्क्वायर फीट में निकालना पड़ेगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 12 करोगे आप तो वो हो जाएगा 0.67। तो यही जो 0.67 है वो, एक मिनट, तो इधर डालोगे आप 0.67 तो वो हो जाएगा 67 तो वो हो जाएगा हमारा 67 क्यूबिक फीट। अभी दोस्तों बारी है वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग की, वो भी सेम ही फंडा है, वो है 4 इंटू 4 इंटू 8 इंच है। तो 8 को 12 से डिवाइड करोगे, ये सब तामझाम करोगे, तो आपको बाद में मिलेगा फाइनल वैल्यू 10.72 क्यूबिक
फीट। दोस्तों अभी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल भी है और वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग भी है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम वॉल के ओपनिंग के डिडक्शन को, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलेगी 56.28 क्यूबिक फिट। कंक्रीट ब्लॉक का डायमेंशन क्या था हमारा, 16 × 8 × 8 इंच, सारे इंच में ही थे। पर दोस्तों जब किसी कंक्रीट ब्लॉक पे मोर्टर लगता है तो वो उसकी अलोंग द लेंथ और अलोंग द हाइट ही लगता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक निकालने के लिए, 16 + 1 × 8 + 1 × 8 ही करना पड़ेगा बस, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 1224 क्यूबिक इंच रहेगा। दोस्तों अभी जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक आया है 1224 क्यूबिक इंच, इसको हमें क्यूबिक फीट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम सीधा 12 बाय 12 बाय 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.70 क्यूबिक फीट। अभी दोस्तों नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालने की बारी आती है, तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वॉल था आफ्टर डिडक्शन ऑफ ओपनिंग वो था 56.28, और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक था वो था 0.70 क्यूबिक फिट। इन दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो है 80.4 नंबर्स। इसी को हम 5% वेस्टेज में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा लगभग 84 के करीब, और जो हमारा सरफेस एरिया मेथड से वैल्यू आया था वो था 83, तो लगभग सेम ही वैल्यू आया है। दोस्तों आप कौन सा यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए, सरफेस एरिया मेथड यूज़ करोगे या वॉल्यूम मेथड यूज़ करोगे, ये ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा दें, और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।